अजमेर पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को 9 वर्ष पूर्ण होने पर अजमेर में पीएम मोदी की 31 मई को होने वाली जनसभा को लेकर कायड़ विश्राम स्थली पर वाटरप्रूफ विशाल पंडाल बनाया गया। 42 विधानसभा क्षेत्र और 8 लोकसभा क्षेत्रों से लगभग 2 लाख से भी ज्यादा लोगों के जनसभा में जुटने का दावा किया जा रहा है, लिहाजा जनसभा की तैयारियां भी व्यापक स्तर पर की जा रही है। नवभारत समाचार पर देखिए पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा को लेकर खास तैयारियां। अजमेर में 31 मई को प्रधानमंत्री मोदी जयपुर रोड स्थित कायड़ विश्राम स्थली में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके लिए कायड़ विश्राम स्थली में व्यापक तैयारियां की जा रही है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चार्टर प्लेन से किशनगढ़ एयरपोर्ट आएंगे। यहां से सेना के हेलीकॉप्टर से वो पुष्कर के लिए रवाना होंगे। पुष्कर में तीर्थ गुरु पुष्कर सरोवर पूजा अर्चना और जगत पिता ब्रह्म मंदिर के दर्शन के बाद मोदी अजमेर में कायड़ विश्राम स्थली के समीप बनाए गए हेलीपैड पर सेना के हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे। मौसम खराब होने की स्थिति में किशनगढ़ एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से भी मोदी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पहले पुष्कर और फिर बाद में अजमेर कायड़ विश्राम स्थली पहुंचेंगे। पुष्कर के लिए रवाना। हाँ, पुष्कर में तीर्थ गुरु पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना और जगत पिता ब्रह्म मंदिर के दर्शन के बाद मोदी अजमेर में कायड़ विश्राम स्थली के समीप बनाए गए हेलीपैड पर सेना के हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे। खराब स्थिति मौसम में किशनगढ़ एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से भी मोदी कड़ी सुरक्षा के बीच में पहले पुष्कर और फिर बाद में अजमेर कायड़ विश्राम स्थली पहुंचेंगे। ये व्यवस्था वैकल्पिक रखी गई है। हालांकि अभी अधिकृत रूप से पीएम मोदी का कार्यक्रम जारी नहीं किया गया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के पुष्कर और अजमेर आगमन को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। अजमेर संभाग सहित कई जिलों के पुलिस अधिकारी और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी अजमेर में पहुंच चुके हैं। सभी अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को उनकी ड्यूटी स्थल के बारे में अवगत करा दिया गया है। एसपीजी ने पुष्कर और अजमेर हेलीपैड के अलावा किशनगढ़ एयरपोर्ट की सुरक्षा अपने जिम्मे ली है। बम निरोधक दस्ता लगातार पुष्कर और अजमेर में प्रस्तावित मोदी की सभा स्थल और अन्य प्रस्तावित यात्रा मार्गों की लगातार जांच पड़ताल कर रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मियों की संख्या के बारे में पुलिस अधिकारी कहने से कतरा रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि लगभग 2500 से 3000 पुलिसकर्मी किशनगढ़ एयरपोर्ट पुष्कर और विश्राम स्थली सुरक्षा में तैनात होंगे। इसके साथ ही मंगलवार को सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस करेगी रिहर्सल। नवभारत समाचार अजमेर से अफाक हुसैन की रिपोर्ट। पांडाल में किस तरह की व्यवस्थाएं रहेगी, कितने लोगों के बैठने की व्यवस्था है, कुर्सियां कितनी होगी, वीआईपी वीवीआईपी या आदमी पुरुष इन सबके लिए बैठने की? विश्व के नेता आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सभा अजमेर कायड़ विश्राम स्थली में प्रस्तावित आगामी 31 तारीख को है, हमने पहले शुरुआत के अंदर जब सभा स्थल की तैयारी की तो हमने 3,65,000 स्क्वायर फीट का पांडाल बनाने की रचना बना करके हमारा कार्य प्रारंभ हो चुका। परंतु जिस प्रकार से माहौल और उत्साह नज़र आ रहा है और लोगों के जिस प्रकार से सभा में नरेंद्र मोदी जी को सुनने देखने के लिए व्यापक दृष्टि से लोगों का आगमन लग रहा है, हमने इसको बढ़ा करके 4 लाख स्क्वायर फीट एरिया में कर दिया है और लगभग इसको 74 ब्लॉक में हमने बैठने की व्यवस्थाएं की है, जिसमें हमारे वीवीआईपी जनप्रतिनिधि, हमारे जितने बैठने महिलाओं के लक्ष्य, हमारे लगभग पूर्व सैनिकों को भी, क्योंकि उन्होंने कहा है 1 पेंशन 1 रैंक की और आगामी जो भी हमारी सुविधाएं नरेंद्र मोदी जी ने दी है इन नौ वर्षों के अंदर उसके तहत हम भी कम से कम 1000 लोगों ने पूर्व सैनिकों का भी आगमन रहेगा। 74 ब्लॉकों के अंदर इस 4 लाख स्क्वायर फीट के अंदर पहले हमारी रचना थी कि 2 लाख के, लेकिन हम ये 2 लाख से भी ज़्यादा लोगों के बैठने की इसके अंदर रहेगी। जहाँ तक कुर्सियों का अनुमान है, संपूर्ण व्यवस्थाओं के अंदर जहाँ वीआईपी से लगा के आगे के जो ब्लॉक्स हैं उनमें हमने लगभग 84,000 से ज़्यादा कुर्सियाँ यहाँ मंगवाने की अभी ठेकेदार से बात करी है और अभी और भी बढ़ने की संभावना है। लगभग इतनी कुर्सियाँ तो लगने की संपूर्ण व्यवस्था में संभावना है। हमारे कम से भी कम जो चल शौचालय से लगाकर जो स्थायी शौचालय हैं नगर निगम द्वारा यहाँ पे साफ सफाई व्यवस्था कर करके हमें कम से कम 800 शौचालयों का और जो हमें दिया है वो लगभग पर्याप्त मात्रा में है और लगभग हमारी जो यहाँ पार्किंग जो वीआईपी के लिए जो अंदर आने के लिए है, हमने प्रयास किया कि नज़दीक से नज़दीक चाहे नागौर क्षेत्र से लोग आने वाले हैं, भीलवाड़ा से, जयपुर की तरफ से, अजमेर की तरफ से, उनको नियरेस्ट जहाँ नज़दीकी जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करके कि नज़दीक से नज़दीक पार्किंग स्थल मिल जाए ताकि पब्लिक जल्दी से जल्दी आ जाए और बैठने की उनकी सुविधाएँ रहें। अंदर पर्याप्त मात्रा में जल व्यवस्था की जो हमारी जल की टोली है उसने व्यवस्थाएँ की हैं। लगभग यहाँ जैसे उर्स के जायरीन ठहरते हैं उससे भी बहुत सुंदर व्यवस्था करने का काम किया है। लगभग हमने
100 टंकियों का और लगभग 22,000 टंकी का जहाँ पानी का टंकी बनी है वो पानी भरने की व्यवस्था रखी है और लगभग सारे नल टोटियाँ चेक कर लिए गए हैं। आने के दौरान पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर लोगों को पानी की व्यवस्था हो। उसके अलावा हमने 30 LED की व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी को नज़दीक से देखने की व्यवस्था रखें ताकि वो नज़दीक से आकर के उसको देख सकें, ऐसी हमने एक व्यवस्था की रचना की है। उसके बाद के अंदर हमने 200 कूलर का इंतजाम भी हमने ठेकेदार से आग्रह किया है कि आप कम से कम 200 कूलर हवादार, मान लो मौसम चेंज हो, अभी तो मौसम पता नहीं डर के मारे कैसा हो, लेकिन ये रहेगी हमने कम से कम पूरे पंडाल के अंदर हमारी टीम टोली जो हमारी इसकी साज सज्जा वाली है लगभग 2,000 से 4,000 झंडे बड़े छोटे और लगभग कम से कम 1,000 कटआउट नरेंद्र मोदी जी के और इसके अलावा कम से भी कम 1,000 9 साल बेमिसाल के फ्लैक्स जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा निर्मित किए गए हैं उनकी रचनाओं के हिसाब से लगेंगे और टोलियों के हिसाब से लगेंगे, ऐसी हमने रचना बनाई है। आने वाले जो गेट हैं जब टोली के साथ बैठ करके व्यवस्था की, क्यों ना हम नरेंद्र मोदी जी का स्वागत महापुरुषों को, शहीदों को नमन करते हुए और सबको नमस्कार करते हुए उनकी याद दिलाते हुए उनको रखें, ऐसा मेरा सुझाव था। इस सुझाव को प्रदेश कमेटी हमारी भारतीय जनता पार्टी ने इसको भी स्वीकार किया है। हमने महाराणा प्रताप जी को याद करते हुए एक द्वार का निर्माण करने का रखा है, सम्राट पृथ्वीराज चौहान के नाम से, झलकारे भाई धारसेन और शहीद भगत सिंह के नाम से, अनेक हमारे वीर दुर्गादास राठौड़ के नाम से और जो भी हमारे महापुरुषों के अभी हमने ये गेट अभी यहाँ प्रस्तावित किए हैं उनकी सुंदर रचना डिजाइन वगैरह का काम चल रहा है। जगह जगह हम नक्शे के माध्यम से बताने का प्रयास करें, सभा स्थल की जो व्यवस्था है, शौचालय के इंडिकेशन है, मीडिया के बैठने की व्यवस्था की दृष्टि से और सभी लोगों को बैठने के प्रयास हमने इस बार बहुत अच्छा प्रबंधन के नाते, क्योंकि अभी मैं आबू रोड की सभा में भी था, ये सब चीज़ों को हम करते करते राजस्थान में जहाँ से करते आ रहे हैं सुंदर से सुंदर व्यवस्था का काम, नरेंद्र मोदी जी को देखने का सुनने का काम। मंच की हाइट 8 फुट की रहेगी और पूरा जो मंच है वो हमारा 64x40 का रहेगा जो कि वातानुकूलित रहेगा और सीधा हेलीपैड से उतरने के बाद सीधे मोदी जी मंच पे आएंगे और 64x40 की हमारी मंच की जो व्यवस्था रहेगी। ये अभी हमारा जो ये हमारा सभा स्थल का समय चूँकि 2 बजे है और मंदिर का जहाँ तक हमने समझा है कि शायद मंदिर के पट के हिसाब से ब्रह्मा जी के यदि वहाँ पहले जाने का रहे तो हम तो कुछ नहीं है, पहले भगवान के दर्शन हो फिर जनता के दर्शन हो, ऐसा हमारा भी आपके माध्यम से विनम्र आग्रह। और यदि पहले जनता के दर्शन बाद में भगवान के दर्शन जो मोदी जी को पसंद हो वो दर्शन करें, ये ऐसा हमें आपके चैनल के माध्यम से। जनता पार्टी हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय CP जोशी जी, हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय चंद्रशेखर जी और हमारे जिले के जो टीम है और जो लोग वरिष्ठ नेता हैं जो इतने दिन से माननीय अशोक जी, परम सचंद जी मेहता जो इस टोली को संभाल रहे हैं, देख रहे हैं, उनका चिंता का विषय है कौन ऊपर बैठेगा कौन नहीं, क्योंकि 10 जिले के लोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों से आ रहे हैं, 8 लोग सभा क्षेत्र के दृष्टि से आ रहे हैं, बैठे हो कहीं भी जहाँ भी इच्छा हो, इसलिए और मोदी जी की सभा हम यहाँ कराएँ बहुत शानदार तरीके से कराएँ। ये एक शंखनाद चुनावी नाद मैं कह सकता हूँ, ये सभा नहीं है, ये ऐतिहासिक एक अपने आप में मैं कह सकता हूँ, जितने फोन जितने लोगों की सूचनाएँ आ रही है ये सभा समस्त रिकॉर्ड तोड़ते हुए ऐतिहासिक सभा होगी। पस आंकला वर्तमान में सभा स्थल का पंडाल प्रभारी और जिला महामंत्री हूँ और पूर्व उप महापौर।